So in this question, it says that if a body is charged by rubbing it, its weight remains precisely constant, increases slightly, decreases slightly, और ये चौथा ऑप्शन है, may increase और may decrease. तो सपोज करो मैं एक रॉड लिया यहाँ पर और एक स्फीयर लिया, कोई भी दो रैंडम बॉडी ले लिया और इनको मैं आपस में रब किया. तो रब करने से अगर ये बॉडी चार्ज हो जा रही है, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होएगा. अब या तो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से, इस स्फीयर से यहाँ पर जम करके चले जाएंगे, या फिर सेकेंड केस में इलेक्ट्रॉन इस रॉड से इस स्फीयर में आके जम कर जाएंगे. ठीक है, तो इस केस की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा कि रॉड विल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड द स्फीयर विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. और अगर रॉड से स्फीयर में जम करके आ गए इलेक्ट्रॉन, तो स्फीयर विल बिकम नेगेटिवली चार्ज और रॉड विल बिकम पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब बात यह है कि मास बढ़ेगा घटेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो भाई देखो, इलेक्ट्रॉन के पास मास तो होता ही है, भले ही बहुत कम होता है. कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? 9.1 × 10⁻³⁻³ kg, पर होता तो है ही. और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के बगैर चार्ज हो जाए बॉडी, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो अब मैं किसी भी एक बॉडी के रिस्पेक्ट में बात करूं, भाई अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, जैसे इस वाले केस में, ठीक है, फर्स्ट केस में क्या होएगा, इस रॉड का मास बढ़ जाएगा और इस स्फीयर का मास घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जम ऐसे हुआ है. सेकेंड केस में क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ऐसे हुआ है, तो इसका मास बढ़ जाएगा स्फीयर का और रॉड का मास घट जाएगा. तो इसका आंसर क्या हो गया, मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली. स्लाइटली वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होएगा, हो सकता है मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स का भी ट्रांसफ़र हो जाए, 5, 10, 20, 15, 20, 25, जितने भी हो जाए. ठीक है, 100, 200, लेकिन उस फिर भी 100 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र होंगे तो भी मास तो बहुत कम ही रहेगा. इस 9.1 × 10⁻³⁻³ को मैं 100 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ, 1000 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो भी बहुत कम ही मास रहेगा. ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर स्लाइटली शब्द का उपयोग किया है. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. थैंक यू.